फाइब्रॉइड्स जो हैं दे आर द मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर्स ऑफ द यूट्रस एंड हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या अबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स दैट वेमेन अंडरगो थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेस. हाई, आई एम डॉक्टर निधि खेरा, सीनियर डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स एंड गायनी एट PLK मैक्स हॉस्पिटल, एंड टूडे आई विल बी टॉकिंग अपॉन हाउ यू कैन अवॉइड सर्जरी और इज सर्जरी द ओनली ट्रीटमेंट वेन यू हैव दिस कंडीशन. नॉर्मली हमने देखा होएगा, हमने सुना होएगा कि अगर फाइब्रॉइड्स हैं या कुछ हैं तो बहुत कॉमनली हिस्ट्रेक्टमीज होती हैं या यूट्रस रिमूवल की सर्जरी होती है. बट दैट इज नॉट द ओनली ऑप्शन फॉर यू. देर आर लॉट्स ऑफ अदर ऑप्शंस ऑल्सो विच कैन बी डन इन विच वी कैन कंजर्व और सेव द यूट्रस. एंड इन फैक्ट रिमूविंग द यूट्रस शुड कम रिलेटिवली लो डाउन ऑन द लिस्ट व्हेन वी हैव ट्राइड अदर मेथड्स or if there is a risk of uterine malignancy or a cancer. So what are the other options that you have? Hum kai baar kuch medicines dete hain, kuch hormonal combinations hote hain, kuch non-hormonal combinations hote hain. Kai baar hum kuch injections bhi de sakte hain jo uterus ke fibroids ke size ko shrink karta hai aur hamare ko symptoms se bahut relief mil jata hai. So zaruri nahi hai ki hamare ko agar fibroid ho gaya we have to rush and get the uterus removed. इंजेक्शंस होते हैं हमारे GnRH एगोनिस्ट के फॉर्म में आते हैं, GnRH एंटागोनिस्ट के फॉर्म में आते हैं. कुछ दवाइयाँ होती हैं हमारे को जो कुछ टैबलेट्स हमको रोज़ डेली बेसिस पे खानी होती है. सो ये टैबलेट्स भी हमारे यूट्रस के जो फाइब्रॉइड्स का साइज़ है उसको श्रिंक करती हैं. या कभी कभी हम कुछ दूसरी तरह की सर्जरीज करते हैं विच आर योर कंजर्वेटिव सर्जरीज, जैसे कि हमारा यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन है, या हम हिस्ट्रोस्कोप अंदर डाल के वहाँ से लाइनिंग को ट्रीट करते हैं, सिर्फ लाइनिंग रिमूवल की बात करते हैं, या हम अंदर कुछ डिवाइसेस डाल सकते हैं जिसको हम मेरेना कहते हैं. सो दीज आर लाइक इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस दैट कैन गो इनसाइड एंड दैट कैन हेल्प यू टेक केयर ऑफ द ब्लीडिंग सिम्टम्स एज वेल एज अगर हमारे लाइनिंग के कोई इश्यूज हो रहे हैं. सो द थिंग दैट आई वुड रियली वॉन्ट टू हाईलाइट हियर इज when you are talking about removal of the uterus, it has to be a very conscious and a balanced decision. And there are obviously har patient ka system alag hai, har patient ka diagnosis or situation alag hai. So depending on your clinical situation, you could have a lot of options rather than just hysterectomy. Based on आपके क्या background है, क्या risk factors है, what is the type of fibroid, what is the situation of the fibroid that you are facing, we could go through all these treatments also. And I hope that you all remain healthy, symptom free, and do not have any risks further on. I hope you found this video informative. If you have any queries or any doubts, please feel free to put your queries in the comment section and we'll be happy to sort these out for you. Thank you.